ये लीजिए भैया। एक मिनट भैया, ये लीजिए दो सिगरेट आपकी। बाबा आप काफी देर से यहाँ पे बैठे हो, कहाँ जाना है आपको? कुछ नहीं बेटा, बस अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आने वाला है, मुझे उसी के साथ जाना है। ठीक है बाबा। बाबा क्या हुआ? बाबा आपका बेटा अब तक आपको लेने आया है नहीं, ये लीजिए चाय पीजिए। शुक्रिया बेटा। वैसे बाबा आपको जाना कहाँ पे है, पता होता पता है आपको? पता तो मुझे नहीं पता बेटा, मेरा छोटा बेटा मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है, कह रहा था कि बड़ा बेटा आकर मुझे यहीं से ले जाएगा। बड़ी फिक्र करते हैं मेरे बेटे, कहीं जरूरी काम में फंस गया होगा। बड़े अमीर हैं, अभी देखना बड़ी सी गाड़ी में आएगा और मुझे लेकर जाएगा बेटा। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ बाबा, आपका बेटा अब तक आया नहीं क्या? और अब तो यहाँ से कोई बस भी नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता वो आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हो सकता मेरा बेटा किसी जरूरी काम में फंस गया हो। हाँ, मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने ये पर्ची मुझे दी थी। बेटा देखो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हो सकता है इसमें उसका पता लिखा हो। मुझे बेटा पढ़कर बता दो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा बेटा। दीजिए बाबा। जिस किसी को भी ये पर्ची मिले वह कृपया इस बुजुर्ग को वृद्ध आश्रम छोड़ दे या वहां जाने का रास्ता बता दे। वारे ऊपर वाले, क्या तेरी माया है, क्या इसी दिन के लिए लोग अपनी औलाद मांगते हैं? अच्छा हुआ जो मेरा कोई बच्चा नहीं है। हे खाटू श्याम, हारे का तू ही सहारा है, मैं अब इस बाबा को कैसे बोलूं, इसमें क्या लिखा है, क्या कहूं, इन्हें कैसे यकीन आएगा? अरे बेटा क्या लिखा है इसमें, मुझे बता दो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा बेटा। बाबा यहीं पास में ना खाटू श्याम जी का मंदिर है, आप वहां चले जाओ, आपका बेटा आपको वहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। हाँ भैया, छोड़ दिया मैंने पापा को। अरे हाँ यार, चलो अच्छा हुआ जान छूटी। अरे बड़ा खून पी रखा था, हर वक्त टोका टाकी, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। अब आएगा जिंदगी जीने का असली मज़ा। हाँ अब कोई परेशानी नहीं है। अरे हाँ, थोड़ा सा घूमेंगे घामेंगे फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उन्हें। मैंने पर्ची डाल दी थी उनकी जेब में, उन्हें कोई ना कोई छोड़ ही देगा किसी वृद्धाश्रम। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ आपसे। हैं हाँ, हो गया सब ठीक। ए हारे के सहारे, खाटू श्याम बाबा, मेरा बेटा कहाँ है बाबा? मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो।
पापा। पापा ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। ओ बेटा तू मुझसे क्यों माफी मांग रहा है, ऐसी क्या बात होगी बेटा? पापा मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मैं जैसे आपको छोड़कर घर वापस गया तो वहां सब कुछ तहस नहस था पापा। घर का सारा सामान, सारी ज्वेलरी चोरी हो गई और बड़े भैया की फैक्ट्री में भी आग लग गई पापा। मैं तभी समझ गया था कि सब खाटू श्याम बाबा ने किया है, उन्होंने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। मुझे माफ कर दो पापा और घर चलो। बेटा तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। खाटू श्याम बाबा तो हारे के सारे हैं, तू उनके चरणों में जाके माथा टेक ले और माफी मांग ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा बाबा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। हेलो, क्या पापा चोर पकड़े गए, हमारा सारा पैसा और ज्वेलरी भी मिल गई पापा। जाओ बाबा, जाओ खाटू श्याम बाबा की, जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो खाटू श्याम बाबा, जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो खाटू श्याम बाबा, जय हो, जय हो, जय हो।